हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति। एंड आज का ये जो लुक है, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपको कि मैंने मेकअप किया है, लेकिन फिर भी शाइन आ रही है फेस पे, राइट? ऐसा लग रहा है कि हाइलाइटर लगाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया एक मॉइस्चराइजर के अलावा। प्लस उसके अलावा आपकी हेयर की आप कैसे केयर ले सकते हैं? बहुत लोगों ने बोला कि मैं तो यहाँ से गंजी हूँ, सामने के बाल तो है नहीं, एंड बताती रहती है तेल वेल के बारे में। गंजी हूँ तभी तो डिफरेंट ऑयल ट्राई कर रही हूँ, एंड जब डिफरेंट ऑयल ट्राई कर रही हूँ तभी तो वो गंजापन जा रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वॉट एवर आई एम ट्राइंग एज अ यूट्यूबर, दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं हर चीज़ का रिव्यू करूँ। और आप लोग, मतलब कोई कंपल्शन नहीं कि इसका करूँ, जब भी करती हूँ मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर लेती हूँ। सो आज जो मैंने, मतलब मैं काफ़ी दिन से एक ऑयल ट्राई कर रही हूँ एंड एक हेयर का फूड, मतलब आपकी सेहत के लिए जैसे आपको खाना जरूरी है अच्छी सेहत के लिए, फ्रूट्स पानी ये सारी चीज़ें लेना जरूरी है, वैसी आपके बालों को भी खाने की ज़रूरत है। जब आप बालों का ध्यान नहीं रखेंगे, उसको प्रॉपर फूड नहीं पहुँचाएंगे, तब आपका हेयर फॉल होगा एंड गंजापन होगा, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होगी, वो सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे। सो प्रॉपर फूड देना भी जरूरी है। तो आज मैं आपको ओनली 3 प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो कि हैंडमेड है, जिसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, घर में बनाए हुए प्रोडक्ट्स है। एंड ये प्रोडक्ट्स जिन्होंने भेजे हैं वो अपने घर में ही तैयार करते हैं मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट, एंड उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है और आप इसको बेझिझक होकर यूज कर सकते हैं। और उसका ब्रांड के ऊपर उसको कोई भी नाम भी नहीं है क्योंकि घर में बनाए हुए हैं, तो शंका भी कोई रखने की जरूरत नहीं है कि ये सूट होगा या नहीं, क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इस ऑयल की। देखिए, कोई ब्रांड वैंड नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल सा एक ये डब्बा लिया है एक, और उसमें डाल दिया है तेल तैयार करके। सो अभी देखिए ये ऊपर आपको परत आती हुई दिख रही है। सो इसमें जो है, आप जब इसको लगाएंगे ना, ये आपको पानी की तरह भी लगेगा, तेल भी लगेगा। अगर तेल में आप थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो कैसा रहता है, वैसा इसका टेक्सचर लगता है लगाते टाइम, ग्रीजी नहीं है बिल्कुल भी। एंड ऊपर आप ये जो मिश्रण देख रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मिक्स हुए हैं जो आपके हेयर फॉल को बहुत कम कर देंगे। उसके लिए मैं आपको एक इमेज भी डाल दूंगा, उनका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे प्रूफ डाले हुए हैं जिन्होंने भी यूज़ किया है। तो आप अगर इसको लगाना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के 3 दिन लगातार यूज़ कीजिए, रात को लगा लीजिए, एंड जब पहली बार तेल लगाने के बाद कंघी करते हैं तब आपके जो भी बाल आते हैं उनको कहीं छुपा के रख लीजिए ताकि तीसरे दिन आप उससे कंपेयर कर पाए। तो अगर आपके 1000 बाल टूटते थे, आपको तीसरे दिन जो डिफरेंस दिखाई देगा उसमें क्लियरली पता लग जाएगा कि वो 1000 से 100 पे आ गया है। सो अगर आप उसको ग्रेजुअली यूज़ करते हैं तो पूरा स्टॉप हो ही जाएगा। तो आप इसको लगाने से पहले, जैसे अभी मिश्रण बाहर आ गया है, अब इसका कलर ऐसे दिख रहा है, इसको आप मिक्स करके, ये देखिए अभी सफ़ेद हो गया, तो मिक्स करके लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपके हेयर में चली जाएगी। तो मैंने इसको कैसे लगाया वो भी साथ साथ मैं आपको दिखा ही रही हूँ। एंड उसके अलावा, जैसे मैंने बोला हेयर फूड, सो ये है वो हेयर फूड, ये दूसरा पैकेट है मेरा, ऑलरेडी मैंने एक बार एक लगा के ख़त्म कर चुका है। एंड दिस इज़ नथिंग बट मेहंदी, लेकिन मेहंदी के अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स है घर में बनाई हूँ, जैसे मेथी दाना होता है वो, करी लीव्स, एंड ऐसे बहुत सारे आइटम्स इसके अंदर मिक्स है। तो वो सारा मिक्स करके इसको आपको पैक लगाना है, पैक की तरह लगा लेना है। एंड आपको लग रहा होगा ये बहुत कम क्वांटिटी है, क्योंकि ये हेयर फॉल पर्पस के लिए है, तो आप ओनली इसको स्कैल्प पे लगाएं, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। एंड उसके अलावा क्योंकि ये मेहंदी है, तो जिनको भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो तो कैसे भी सॉल्व हो ही जाएगी। आप चाहे तो पूरे हेयर पे भी लगा सकते, लेकिन जो पर्पस इसका है उसके बारे में मैं मेनली बता रही हूँ। और जो ऑयल है वो भी आप स्कैल्प पे लगाएं तो काफ़ी है। एंड दूसरी क्वालिटी है इस हेयर ऑयल की कि ये बहुत ठंडक वाली फील देता है। अगर आपको सर दर्द भी है ना, एक तो कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग मतलब ठंडी लग जाएगी वैसी वाली नहीं, लेकिन एकदम अगर आपको सर में दर्द होता है तो आप अमृतांजन लगाते हो, राइट? वो एक तरह का रिलैक्सेशन देता है आपको, वैसे ही जब आप इसको लगाओगे तो एकदम कूलिंग इफेक्ट आएगा एंड यू विल फील वेरी मच रिलैक्स। तो वो क्वालिटी भी है। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो है आपके हेयर से रिलेटेड। अब रही बात, आपको जैसा कि लग रहा है कि मेरे फेस पे कुछ तो मैंने किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस ये लगाई है मैंने क्रीम, दिस इज़ अ सैफ्रॉन फेस क्रीम जो घर पे बनाई हुई है, ये देखिए। एंड इसकी स्मेल तो एकदम लाजवाब है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। एंड इसको खाली लगाया मैंने और कुछ भी नहीं लगाया, उसका लिपस्टिक बिंदी एंड काजल और कुछ भी नहीं है। एंड इस लुक के साथ आई कैन यू नो बेझिझक गो आउट ऑफ माई होम, ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मैं कोई चिपको दिख रही हूँ। कोई यार आप मॉइस्चराइजर लगाते तो बहुत स्लिपरी सा ग्रीजी सा हो जाता है, बट वैसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप इसको लगा के कहीं बाहर भी जा सकते हो। एंड सैफ्रॉन है तो आपके फेस पे जो ग्लो है दिख रहा है अभी आपको, वो इसी की वजह से, क्योंकि इसमें सैफ्रॉन है जो आपके फेस पे ग्लो को या निखार को और उभार उभार के बाहर लेके आता है।
सो ये तीनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया है एंड होममेड प्रोडक्ट है जैसे मैं बोल रही हूँ। तो उनका नाम है नवीना एंड उनका इंस्टाग्राम पेज का नाम है माई हैंडमेड कॉन्सेप्ट। तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड बाकी लिंक्स भी मैंने दिए हैं, आप उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करके अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली लीजिए। पसंद नहीं भी आ रहे हैं लेकिन आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है एंड आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो फिर भी थक चुके हो, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन एक बार इसको जरूर ट्राई दीजिए, आपको पक्का चेंज नजर आएगा। उसके बाद आप बॉटल्स पे बॉटल्स जरूर लेंगे बिकॉज दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव। मैंने काफी दिन से मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे वो चेंज नजर आया। तो पहले मैं ऐसे करती थी ना तो मेरे हाथ में आराम से 2-4 बाल आ जाते थे, अभी जो कि एक भी बाल नहीं आया। देखो पहले आराम से मतलब रेडी रहते थे निकलने के लिए, बस देर रहती थी कि मैं ऐसे करूं और वो हाथ में आ जाए। तो अभी वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी हद तक हेयर फॉल कम हो चुका है। तो आप भरोसा करते हैं तो आप एक ट्राई दे सकते हैं, वो भी आपके रिक्वायरमेंट हो तो। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना जो मैंने दे दिया, बाकी आपकी मर्जी, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक चिपका दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। So see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.